ब्लॉक मारवाड़ जंक्शन में दिव्यांग बालकों के लिए जिला स्तरीय मेडिकल फंक्शनल असेसमेंट कैंप का समापन। मारवाड़ जंक्शन स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र सिंघाड़िया के मुख्य अतिथि तथा CBEO शंकर सिंह उदावत की अध्यक्षता में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के दिशा निर्देशानुसार समग्र शिक्षा कार्यालय पाली द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बालकों के लिए 2 दिवसीय मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेंट कैंप का विधिवत रूप से समापन किया गया। कानपुर के एल्मिंको टीम के विशेषज्ञों ने बालकों के स्वास्थ्य की जाँच कर अपेक्षित उपकरणों के लिए चिन्हितकरण किया। पाली चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों सहित मनोरोग विशेषज्ञ, सीनियर रेजिडेंट, अस्थि रोग विशेषज्ञ, सहायक आचार्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि चिकित्सा अधिकारियों ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के CDC अर्जुन सिंह ने अपने विभाग से संबंधित सरकार की दिव्यांग बालकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए अपनी सेवाएं दी। कैंप में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के 6 से 18 आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को स्वावलंबन प्रदान किया गया। खंड मुख्यालय में 2 दिवसीय विकलांग बच्चों के लिए जो शिविर का आयोजन किया गया है, क्या है इस शिविर में विशेष? ये जो शिविर है राज्य शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू समावेश शिक्षा के अंतर्गत आयोजित की जाती है हर वर्ष। इसके अंदर जो कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 6 से 14 की उम्र के, उनको चिन्हीकरण किया जाता है। अर्थात डॉक्टरों की जो टीम आती है एलिम्को कानपुर से भी ऑडियोलॉजिस्ट वगैरह सारे आते हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ रहते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ रहते हैं, ये सारे चिकित्सकों की टीम मिलकर के इन बच्चों को किसको कौन सा उपकरण देना, जैसे किसी को हियरिंग एड देना पड़ता है, किसी को वैशाखी देनी पड़ती है, किसी को उसके नाप के जूते देने पड़ते हैं। इन शिविर में सर कितने छात्र छात्राओं को ये लाभ मिल रहा है? इस शिविर के अंदर 5 ब्लॉक के कल हुआ था और 5 ब्लॉक का आज चल रहा है, तो कल जो 5 ब्लॉक का हुआ उसमें लगभग 200 से ऊपर बालकों ने और अभिभावकों ने भाग लिया था। उसमें से 35 का चिन्हीकरण हुआ है, जिन्हें जिस जिस उपकरण की आवश्यकता है वो उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे।